अगली खबर आ रही है डिंडौरी से, जहां सहपुरा में जनपद सीईओ राजीव तिवारी के तानाशाही रवैये के खिलाफ सरपंच संघ सहित ग्राम पंचायत अमेरा के ग्रामीणों ने जनपद कार्यालय पहुंचकर जनपद अध्यक्ष प्रियंका आरमो को ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्याओं को मीडिया से मुखातिब हुए। सीईओ के ऊपर कार्यवाही करने की बात की गई। 7 दिवस के अंदर मुद्दों पर कार्यवाही नहीं होती है तो 25 नवंबर को सहपुरा आ रहे प्रदेश की मुखिया शिवराज सिंह चौहान को सरपंच संघ के द्वारा सीईओ को हटाने को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा और ग्राम पंचायत अमेरा की महिला सरपंच कौशल्या बाई मार्को के द्वारा बताया गया कि कई बार सीईओ को आवेदन दे चुके लेकिन समस्याओं का निराकरण नहीं किया गया। सरपंच ने बताया कि मैं महिला सरपंच हूं और मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, ऐसी स्थिति में मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। वही महिला तो सीएम के सामने मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने की बात कह डाली है। ग्रामीणों का आरोप है कि विगत 1.5 साल से रोजगार नहीं मिला है। रेगा योजना के अंतर्गत काम नहीं मिल रहा है आप लोगों को? जी नहीं, कब से नहीं मिला है? नहीं मिल रहा है, 1.5 वर्ष हो गए, 1.5 साल। क्या चाहते हैं आप? हम काम मांग रहे हैं। से मैं सीओ सर को आवेदन दे दे के परेशान हो गई हूँ, तो इंजीनियरों के पास चले जाओ कहते हैं, तो इंजीनियर बोलते हैं उसके पास चले जाओ, फिर दूसरे इंजीनियर के पास मैं जाती हूँ तो वो बोलते हैं उनके पास चले जाओ। अभी तक 1.5 साल 2 साल हो गए, चेक डैम, स्टाफ डैम, गली प्लक और भी सारे निर्माण कार्य हैं सर, उनका अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ है और ना ही मटेरियल में 4 साल से मेरे नरेगा में बिल्कुल ही बिल नहीं लगे हैं सर। मैं बहुत ही परेशान हो चुकी हूँ और मैं महिला सरपंच हूँ, मेरे साथ मजाक उड़ाया जा रहा है सर। ऐसे स्थिति में मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अब मैं ये तो फिर आत्महत्या करूँगी। सीएम सर आ रहे हैं अभी, मैं मिट्टी तेल लेके जाके आत्मदहन कर लूँगी सर। सीओ के खिलाफ आप लोग आक्रोशित हैं? जी सर। सीओ हटना चाहिए या रहना चाहिए, क्या है? हटना चाहिए। कितने दिन में? ये बिल्कुल 7 दिन के अंदर हट जाना चाहिए। सीएम को ज्ञापन सौंपेंगे आप लोग? जी।